Hello, students. करेक्टर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर में अपना थर्ड करेक्टर है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ओके, सो ये अपन आज देखने वाले हैं। अपन ने देखा कि पार्टिकल्स मिलके मैटर बना रहे हैं, तो जो पार्टिकल्स हैं उनके इन बिटवीन कोई तो बॉन्डिंग होती होगी ना, जिसकी वजह से आपस में कनेक्ट रहते हैं और मिलके कोई भी मैटर का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, सो कौन सी बॉन्डिंग है जिसकी वजह से जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में क्या रहते हैं, कनेक्ट रहते हैं एक दूसरे से। तो वो जो बॉन्डिंग है वो है अट्रैक्शन फोर्स। ओके, कौन सा फोर्स? अट्रैक्शन फोर्स। अट्रैक्शन फोर्स कहाँ पे लगता है? कि जब पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अब नेगेटिव चार्ज को और पॉजिटिव चार्ज को, मतलब इट मीन्स जो सेम चार्जेज हैं वो आपस में रिपल्सन करेंगे, एक दूसरे से क्या होंगे, दूर जाएंगे। लेकिन अगर जो पार्टिकल्स में जो चार्ज है पार्टिकल्स पे वो अगर अपोजिट है, पॉजिटिव और नेगेटिव है, या नेगेटिव और पॉजिटिव है, तो आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और जो बॉन्ड बनाएंगे उससे अपने को जो फॉर्मेशन आएगी वो क्या आएगी, मैटर। ओके, उससे अपना मैटर बन रहा है, कोई भी मटेरियल बन रहा है। तो अभी इसी के अपन कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं पहले, फिर एक्सपेरिमेंट की हेल्प से भी थोड़ा सा समझेंगे इसको। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव They have force between them, मतलब जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में क्या है, फोर्स है। और फोर्स कौन सा है जिसके अपन बार बार बात कर रहे हैं? अट्रैक्शन फोर्स विल बी प्रेजेंट देयर, वहां पे अट्रैक्शन फोर्स प्रेजेंट रहेगा, जिसकी वजह से जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में क्या रहेंगे, कंबाइंड रहेंगे। ओके, नेक्स्ट अपन देख रहे हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कीप्स द पार्टिकल्स कंबाइन या टुगेदर। उन्हें साथ में कौन रख रहा है? अट्रैक्शन ऑफ फोर्स रख रहे हैं। सो अट्रैक्शन ऑफ फोर्स वेरी फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर। ओके, लेकिन होता क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरी फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर। ओके, लेकिन क्या रहेगा, मैटर टू मैटर ये डिफरेंट रहेगा। ऐसा नहीं है कि जो जो भी मटेरियल है, कोई भी है, आपने कोई भी उठा लिया तो उनमें आप देख रहे हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो सेम ही है, ऐसा नहीं होता है। किसी में कम है, किसी में ज्यादा है, कोई मटेरियल बहुत ज्यादा क्लोज्ड है तो कोई क्या है, लूज है, और कोई क्या है जिसमें काफी स्पेस मेंटेन है। ओके, सो वो अपन अलग इसी के बेस पे अपन देखेंगे, स्टेट स्टेट ऑफ मैटर देखेंगे। ओके, सो वहां पे देखेंगे कि पार्टिकल्स के इन बिटवीन कितना गैप है। अब इसके अपन वो देख लेते हैं, एक्सपेरिमेंट देखते हैं अपन। आपने क्या किया कि आपने वाटर टैप, ओके, सो आपने क्या किया, नल को ऑन किया, ठीक है, नल को चालू किया, और जो पानी
जो पानी का बहाव आ रहा है उसमें आप अपने हैंड्स अपने हाथों के क्या आप उस जो फ्लो आ रहा है जो पानी का उसको क्या आप बीच में ब्रेक कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं अपने हाथ अपने हैंड्स के हेल्प से? नहीं, जो पानी का बहाव जो आ रहा है जो फ्लो आ रहा है वो आप उससे ब्रेक नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि जो स्ट्रीम है जो स्ट्रीम ऑफ वाटर उसे आप ब्रेक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं इनके बीच में क्या है अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, जिसको आप किसी बाहर से जो आप फोर्स लगा रहे हैं अपने हैंड से या किसी और इंस्ट्रूमेंट से तो वो उसको क्या नहीं कर पाएगा, ब्रेक नहीं कर पाएगा उस बॉन्डिंग को। ओके, सो नेक्स्ट अपन देखते हैं आपने क्या लिया। टेक एंड आयरन नेल, ओके आपने आयरन नेल लिया, ए पीस ऑफ चॉक, चॉक का टुकड़ा लिया, ठीक है। अब आपने क्या किया इनको ट्राई, अब आप इनको क्या करें ट्राई ब्रेकिंग देम, ट्राई ब्रेकिंग देम बाय हैमरिंग कटिंग। ओके सो आप क्या देखेंगे, क्या आप लोहे को जल्दी ब्रेक डाउन कर पाएंगे या फिर चौक को कर पाएंगे? चौक को आप जल्दी कर पाएंगे, इट मीन्स कि जो इसके जो पार्टिकल्स हैं उनमें जो अट्रैक्शन फोर्स है वो क्या है ल्यूज है कम है, इसलिए आप इसको आयरन नेल से पहले ब्रेक कर पाएंगे, आयरन नेल्स को बाद में कर पाएंगे, क्योंकि आयरन नेल्स में जो पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं उनके अंदर अट्रैक्शन फोर्स क्या है ज्यादा है। ओके सो वी कैन से दैट द पार्टिकल्स आर होल्ड टुगेदर विद ए ग्रेटर फोर्स। सो अब हम क्या कर सकते हैं, द पार्टिकल्स आर होल्ड टुगेदर विद ग्रेटर फोर्स। ओके सो अपना यहाँ पे क्या था, थ्री जो आपको करेक्टर्स दिए थे पार्टिकल्स ऑफ मैटर के वो आपका आज यहाँ फिनिश होता है, और जो नेक्स्ट जो अपना है वो रहेगा स्टेट ऑफ मैटर। ओके थैंक्स।